देश के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल मुकेश अंबानी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं। मुकेश अंबानी और टाटा के साथ आने से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजोन की छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसा क्या प्लान है, क्या बड़ा धमाका करने की प्लानिंग में है मुकेश अंबानी, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्ले में 29.8% की स्टेक होल्डिंग खरीदने की तैयारी कर रही है। टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन बेस्ड सैटेलाइट टीवी एंड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है और उसके मुताबिक रिलायंस ये हिस्सेदारी वॉल्ट डिज्नी से खरीद सकती है। इसे रिलायंस टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेगी। साथ ही इसे रिलायंस के OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा की रीच भी बढ़ जाएगी। इस बारे में टाटा प्ले ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है। टाटा प्ले में टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की 50.2% की हिस्सेदारी है। सिंगापुर के फंड टेमासेक की टाटा प्ले में 20% की हिस्सेदारी है और डिज्नी की 29.8% की हिस्सेदारी है, जिसको अब रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने की तैयारी कर रहा है। एक साल पहले टाटा प्ले की तीसरी स्टेक होल्डर टेमासेक ने भी कंपनी में अपनी 20% की हिस्सेदारी बेचने के लिए टाटा ग्रुप से बात की थी। इस डील की वैल्यू $1 बिलियन यानी के करीब 8,301 करोड़ रुपए थी। बाद में ये एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ पाया था। अब अगर रिलायंस और टाटा प्ले के बीच में ये डील फाइनल हो जाती है तो टाटा ग्रुप और रिलायंस के बीच ये पहला एक कोलैबोरेशन वाला वेंचर होगा। इससे रिलायंस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा को टाटा प्ले के कस्टमर्स तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। रिलायंस अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा का पूरा कंटेंट कैटलॉग टाटा प्ले के कस्टमर्स को ऑफर करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकर सभी टाटा प्ले में डिज्नी की हिस्सेदारी की वैल्यू का असेसमेंट कर रहे हैं। टाटा प्ले की मार्केट में अच्छी पकड़ है, लेकिन उसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा और अमेजोन प्राइम से कड़ी एक कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट शेयर बढ़ गया है, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की थर्ड क्वार्टर में कंपनी को 4,499 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर करीब 105 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, जबकि एक साल पहले 4,741 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी को 68.60 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। अब लॉस हो रहा है, लेकिन अब दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो हो सकता है कि जो इनके दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अब कड़ी टक्कर मिल जाए। आपको बताइए कि हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि वॉल्ट डिज्नी भारत में अपनी लीनियर टीवी कंटेंट और OTT बिजनेस रिलायंस को $3.9 बिलियन यानी के करीब 24,903 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर बेच रही है। लीगल प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद इस डील की अनाउंसमेंट की जा सकती है। कंपनी के बीच साइन की गई MOU के मुताबिक इस डील में डिज्नी और रिलायंस के बीच 40% और 51% के स्टेक होंगे, जबकि टीवी नेटवर्क और OTT बिजनेस में 9% की हिस्सेदारी बोधी ट्री के पास होगी। बोधी ट्री मीडिया इंडस्ट्री के लीडिंग जेम्स मिडॉर्क और डिज्नी इंडिया के पूर्व प्रमुख उदय शंकर के ज्वाइंट वेंचर है। तो रिलायंस का जो प्लान है अब वो डिज्नी से टाटा प्ले में भी उसकी हिस्सेदारी खरीदने का, और ऑलरेडी डिज्नी में तो उनकी बातचीत चली रही है कि वो डील फाइनल स्टेज पर, यहाँ पे भी डील फाइनल स्टेज में, यानी कि अब मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में मुकेश अंबानी एक बड़ा धमाका कर सकते हैं टाटा प्ले के साथ आकर। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।